टाटा ग्रुप हमेशा कुछ बड़ा और अलग करने के लिए जाना जाता है। टाटा की यही खासियत उसे उसके कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाती है। इस बार भी टाटा धमाल मचाने जा रही है। दरअसल टाटा मोटर्स एक साथ 10 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर ऑटो मार्केट में तहलका मचाने जा रही है। टाटा मोटर्स की योजना 4 साल से भी कम समय में 10 बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन लाने की है। यह जानकारी कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने दी है। कंपनी की 76वीं एनुअल रिपोर्ट में चंद्रशेखर ने कहा है कि कंपनी की पहुंच अब इस साल दोगुनी होकर 2% हो गई है और कंपनी को आने वाले सालों में तेजी से ग्रोथ की उम्मीद है। भारतीय बाजार में इस बदलाव की अगुवाई टाटा मोटर्स करेगी। 2025 तक टाटा मोटर्स के पास 10 नए इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। टाटा मोटर्स बाजार में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी के साथ देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन का खिलाड़ी है। साथ ही एल्टोस का इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाले महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद है। नेक्सॉन ईवी जनवरी 2020 से लॉन्च होने के बाद से 4000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बन गया है। इसके अलावा टाटा ग्रुप भारत और उसके बाहर सेल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने जा रहा है, तो वहीं कंपनी जगह जगह पर चार्जिंग प्वाइंट बनाने की तैयारी कर रही है। चंद्रशेखरन ने कहा है कि एक ग्रुप के रूप में कंपनी देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए निवेश करेगी। इसके अलावा टाटा ग्रुप बैटरी की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए भारत और यूरोप में सेल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनर की तलाश कर रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार इन पर सब्सिडी भी दे रही है। सरकार भी चाहती है कि लोग पेट्रोल डीजल की कारों को न खरीद कर इलेक्ट्रिक कारें ही खरीदें। वैसे भी इलेक्ट्रिक कारों का दौर ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इकोनॉमिस्ट टोनी सेवा की रिपोर्ट के मुताबिक आज के दौर में पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली कारों की लाइफ करीब 3 लाख किलोमीटर होती है, जबकि इलेक्ट्रिक कारों की लाइफ 16 लाख किलोमीटर तक होगी। इस वजह से आने वाले समय में लोग इलेक्ट्रिक कारों को खरीदना शुरू करेंगे। ये बदलाव इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक कार पर आने वाला खर्च पेट्रोल और डीजल कार के मुकाबले 10 गुना सस्ता होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 18 से 25 मूविंग पार्ट्स होते हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों में 2000 से ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक तरह से मेंटेनेंस फ्री होती हैं। इलेक्ट्रिक कारें भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तो बदल ही देंगी, साथ ही आपके घर की अर्थव्यवस्था को भी बदल सकती हैं। इलेक्ट्रिक कारें दुनिया का फ्यूचर है, लेकिन ये फ्यूचर तभी साकार होगा जबकि बाजार में इलेक्ट्रिक कारों के लिए सस्ती बैटरियां मौजूद होंगी, क्योंकि सामान्य कारों की तुलना में इनकी कीमतें लगभग दोगुनी पड़ती हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से फेम 2 योजना में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी मिल रही है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो टाटा की ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं।